माता रानी के भवन पे मौसम बड़ा सुहाना है। जय माता दी। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 22 जुलाई 2024 और दिन है सोमवार का और आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। तो सभी लोगों को हर हर महादेव। आइए देखते हैं सबसे पहले सावन के पहले दिन और आज माता रानी की प्राचीन गुफा के अंदर किस प्रकार से माता रानी की पिंडियों को सजाया गया है, किस प्रकार का श्रृंगार किया गया है और साथ ही साथ भवन में स्थित शिवलिंग के दर्शन भी आज आपको हम कराने वाले हैं। आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन की गुफा के अंदर स्थित माता रानी की तीन पिंडियों को हम देख सकते हैं। आज सोमवार का दिन है तो माता रानी को सफेद रंग के चोले के अंदर सजाया गया है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं फूलों के अलावा अन्य आभूषणों से भी माता रानी का श्रृंगार किया गया है और हर बार की तरह इस बार भी तीनों पिंडियों के मुकुट के ऊपर यहाँ पर हम कमल के फूल विराजित हुए देख सकते हैं और साथ साथ माता रानी की पिंडियों के आगे हम देख सकते हैं फूलों से ही त्रिशूल की आकृति को बनाया गया है। तो ये है आज के माता रानी की तीन पिंडियों के दर्शन। आपको आज के माता रानी के दर्शन कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ अब आप देख सकते हैं शिवलिंग के दर्शन जो माता रानी के दरबार में ही स्थित है और आज सावन का पहला दिन है तो इनके दर्शन भी कराने आपको बेहद जरूरी थे। तो आपको शिवलिंग के पहले दर्शन कभी हुए हैं या नहीं ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आपने भी माता रानी के भवन पर इन शिवलिंग के दर्शन किए हैं। तो ये थे आज के बड़े ही सुंदर और एकदम ताजा दर्शन। अब आप देखते हैं आज के मौसम का हाल, किस प्रकार से आज पूरा दिन श्री माता वैष्णो देवी भवन पर और पूरे यात्रा ट्रैक और कटरा शहर के अंदर मौसम रहने वाला है। आइए इसकी जानकारी लेते हैं और क्या आज बारिश होगी और होगी तो कितने बजे से शुरू होगी। आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट मौसम के हाल के अंदर। आप कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन से बिल्कुल ताजे दर्शन और हम देख सकते हैं कुल किस प्रकार से ये मौसम बना हुआ है। और आपको बता दें कि आज शाम को लगभग 4 बजे के बाद लगातार यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिलने वाली है और बाकी पूरे दिन यहाँ पर छिटपुट बारिश या फिर पूरे दिन इसी तरीके से बादल छाए रहने वाले हैं। आपको बता दें ये वीडियो कल का है लेकिन आपको आज भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे माहौल देखने को मिलने वाला है और इसी प्रकार से पूरा दिन बादल छाए रहेंगे और अच्छी खासी बारिश आज शाम को 4 बजे के बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। जितने भी भक्तगण श्री माता वैष्णो देवी की इस यात्रा को आज कर रहे हैं या आने वाले कुछ दिनों में कर रहे हैं तो आपको बता दूं लगातार कई दिनों तक यहां पर बारिश होने की बिल्कुल संभावनाएं बनी हुई हैं और हमने आपको जानकारी दी है, मतलब हमारी जानकारी हमेशा की तरह इस बार भी सटीक रहने वाली है। तो जितने भी भक्त लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने साथ एक रेन कोट जरूर रखें, साथ ही साथ आप पूरा इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी गीले ना हो पाएं। पूरे रास्ते में तो आपको टीन शेड नहीं मिल पाएगी लेकिन आपको हिमकोटी मार्ग से भवन तक जाने के लिए पूरे रास्ते के अंदर ही शेल्टर सीट मिल जाएगी और आप यहां पर बारिश से अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब आप अपनी यात्रा का शुरू करते हैं वहाँ से लेके अर्थ क्वारी के बीच में केवल 5 या 10% जगह पर ही आपको शेल्टर सीट मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपके भीगने का खतरा हो सकता है, इसलिए आप यात्रा के दौरान एक छोटा छाता या फिर एक रेन कोट जरूर ले लें। आपको बता दें छाते से ज़्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला है क्योंकि आप यात्रा के दौरान वैसे ही थके होते हैं और आपका एक हाथ ओवर एंगेज हो जाता है, इसलिए छाते को एक साइड में रखिए और आप केवल रेन कोट का प्रयोग ही कीजिए जो आपको इस यात्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होने की उम्मीद है आगे आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि ऐसे कई यात्री होंगे जो हमारी इस वीडियो को अब देख रहे हैं और वो कल या परसों वहाँ पर जाने वाले हैं या आगे आने वाले इस एक हफ्ते के दौरान श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं। तो जो जो सावधानी हम आपको लगातार अपनी वीडियो के सहारे से बताते हैं आपको वो सभी आजमाने और आगे आने वाले दिनों में आप यात्रा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको यही बता रहे हैं कि अपने साथ रेन कोट जरूर रखें। अगर आप किसी भी वजह से अपना रेन कोट घर भूल जाते हैं या फिर आपको इसकी जानकारी नहीं भी होती है तो आपको बता दें आपको पूरे कटरा मार्केट के अंदर हर दुकान पर रेन कोट मिल जाएगा। और इसी के अलावा आप जब यात्रा शुरू कर देते हैं
तब भी आपको चरण पादुका तक मिलने वाली सभी दुकान पर रेनकोट आराम से मिल जाएगा। तो ये थी यक्षोम द्वारा दी गई आज के मौसम की बिल्कुल ताजा अपडेट। आइए अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या के बारे में और जानते हैं आज का एक एक्सपेक्टेड आंकड़ा कि कितने यात्री आज वहां पर आपको दिखने वाले हैं। तो देख सकते हैं यात्रियों की कुछ इस प्रकार की रौनक। आज भी श्री माता वैष्णो देवी भवन पर बनी रहने वाली सभी यात्री अभी भी, हमने देखा कि मई और जून के महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा यात्रियों ने श्री माता वैष्णो देवी भवन पर शिरकत की और काफ़ी ज़्यादा यात्रियों ने जुलाई के महीने के स्टार्टिंग के अंदर भी यहां पर अपने दर्शन किए। और आपको बता दूं कि अभी भी यहां पर यात्रियों की संख्या की थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन उतना कमी नहीं है जितना ज़्यादा जुलाई के महीने में तेज़ बारिश के कारण हो जाती है। हालाँकि बारिश भी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी आगे आने वाला जो हफ्ता है इसके अंदर आपको वापस से बारिश देखने को मिल जाएगी और हो सकता है कि उस दौरान यहाँ पर यात्रियों की संख्या के अंदर कुछ कमी आ जाए। और ये यात्री केवल वही होते हैं जो तत्काल के अंदर अपनी यात्रा की प्लानिंग करते हैं। जिन यात्रियों ने पहले से अपनी यात्रा की प्लानिंग की हुई है वो अभी इस यात्रा को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले हैं, वे अपने तय अनुसार माता रानी के बुलावे पर माता रानी के दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी बारिश या फिर किसी अन्य वजह से अपनी यात्रा को कभी भी आपको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बारिश के अंदर मौसम और भी ज़्यादा सुहावना हो जाता है। हालाँकि आपको कुछ अन्य चीज़ों का ध्यान बेशक रखना पड़ता है, जैसे हिमकोटी मार्ग पर अगर तेज़ बारिश आ रही है तो आपको बारिश के थोड़ा मंदा होने या फिर उसको बंद होने का इंतज़ार करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी इस रास्ते पे ना हो पाए। अगर एक एक्सपेक्टेड आंकड़े की बात करें तो आज भी 20 से 22,000 के आसपास यात्रियों का जमावड़ा वहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये पिछले जून महीने के अपेक्षा में काफ़ी कम है, लेकिन ये आंकड़ा भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि जुलाई के अंदर बारिश के दौरान लगभग 20,000 या 20,000 से कम ही यहाँ पे आंकड़ा अक्सर देखा जाता है। फिलहाल लगभग जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा रौनक बनाने के लिए काफ़ी है और इस प्रकार से माता रानी के भवन में अभी भी रौनक बरकरार है। तो ये थी यात्रियों की संख्या के बारे में एक डिटेल। अब आपको बता दें अर्थक्वारी के वेटिंग टाइम और माता वैष्णो देवी पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं, जिसके अंदर रोप वे की सुविधा भी शामिल है, रोप वे हेलीकॉप्टर वे अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज सुबह आपको एक नई ताज़ा अपडेट मिल जाए और आप घर बैठे ही माता रानी के दर्शन कर लें। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अर्थक्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में। आइए बात कर लेते हैं अर्थक्वारी की गर्भजून गुफा के बारे में। फिलहाल आप जो ये मोड़ देख रहे हैं ये वही मोड़ है जब आप नीचे कटरा से इस मोड़ पर पहुंचते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि अब आप इस मोड़ को क्रॉस करते ही अर्थक्वारी के दर्शन कर लेंगे। आपको बता दें कि गर्भजून गुफा लगभग 5.5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आपको मिलती है और आपको इसके अंदर प्रवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाता है। आपको बता दें यहाँ पर आपको एक वेटिंग टाइम दिया जाता है और उसके लिए आपको एक टोकन नंबर लेना पड़ता है। फिलहाल आप अगर टोकन नंबर नहीं लेते हैं तो आप इसकी गुफा में प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। टोकन पर मिले ग्रुप नंबर के अनुसार ही आपको गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। और फिलहाल आज के वेटिंग टाइम की बात करें तो आज आपको 24 से 30 घंटे का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। और अगर आपको यहाँ पर दर्शन करने हैं तो आज के दिन आपको 1 से 1.5 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना ग्रुप टोकन नंबर लेने के बाद अपनी आगे की यात्रा को जारी रखना है। उसके बाद 1 दिन आप भवन पर रुक सकते हैं और भवन पर रुकने के बाद जब आप वापस अर्थक्वारी पे अगले दिन पहुंचेंगे तो तब तक या तो आपका नंबर आ चुका होगा या फिर कुछ ही देर में आने वाला होगा और इस प्रकार से आप गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है, वीडियो में आपको इसी तरीके से जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर मिलने वाले आरती का टोकन भी ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट 300 रुपये होता है, जो आप ऑफलाइन वहाँ पर डोनेशन काउंटर से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आरती का टोकन लेने के बाद आपको आरती के अंदर भी बिठाया जाता है, जो 1 घंटे की यहाँ पर आरती चलती है। और उसके अलावा आपको दर्शनों का भी अवसर मिल जाता है, उसके लिए आप किसी भी वेटिंग टाइम की जरूरत नहीं होती है, आप आरती के बाद दर्शन कर सकते हैं।
तो ये थी अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में आज की अपडेट। और आइए अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अन्य सुविधाओं के बारे में, देखते हैं आज की किस प्रकार से अन्य सुविधाएं श्री माता वैष्णो देवी भवन पर जारी है। बैटरी कार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बैटरी कार की सुविधा आपको अर्थ कुंवारी से भवन के लिए मिल जाती है, जिसके लिए आपको अब ₹450 पे करना पड़ता है। आपको बता दें बैटरी कार की सुविधा ऑनलाइन के अंदर आपको सितंबर की जनरल कोटा अवेलेबल नहीं है और केवल यहाँ पर हैंडीकैप पर्सन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए कोटा अवेलेबल है। अगर आप बीमार हैं या आपको पैरों संबंधित कोई भी अन्य परेशानी है तो भी आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसका बुकिंग कर ही नहीं सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए अर्थ क्वारी से ऑफलाइन जाकर ही ये टिकट लेनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर जो चेयर यहाँ पे डली हुई है ये अर्थ क्वारी पर स्थित ही हैं। और आपको बता दें अगर आप अर्थ क्वारी से ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टाइम के अंदर ही आपको लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद यात्री कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठे रहते हैं, आराम फरमाते रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर चल नहीं पाते हैं वो अर्थ क्वारी से बैटरी कार का टोकन ऑफलाइन मोड के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी आने वाले हैं अगले महीने यानी सितंबर में, तो जैसे कि सितंबर का जनरल कोटा यहाँ पर ऑनलाइन मोड में चालू ही नहीं हुआ है, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर बैठकर इंतजार करना पड़ेगा काउंटर के खुलने का। और जैसे ही काउंटर खुलता है आपको अपनी ऑफलाइन टिकट ले लेनी होगी। अगर आप वीडियो में दिख रहे बंदर को लाइक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। अन्य सुविधाओं के अंदर हमने आपको सबसे पहले बैटरी कार सुविधा के बारे में एक डिटेल दे दी है। इसके बाद बात करते हैं रोपवे सुविधा के बारे में। तो रोपवे की सुविधा आज सुबह से अच्छे तरीके से चल रही है, फिलहाल कोई भी रुकावट रोपवे की सुविधा में नहीं आई है। इसके बाद बात करते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। तो आज सुबह से ही विजिबिलिटी काफ़ी लो है, बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और हेलीकॉप्टर की फ्लाइट अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिली है और शाम के समय भी यहाँ पर फ्लाइट का होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। फिलहाल दोपहर के वक्त अगर हल्की धूप बीच में देखने को मिलेगी, विजिबिलिटी थोड़ी सी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी तो हेलीकॉप्टर की सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल तो सुबह का फ्लाइट यहाँ पर आज नहीं देखा गया है। तो ये थी आज यानी 22 जुलाई 2024 की बिल्कुल ताज़ा अपडेट जो आपने यक्सोम चैनल पर प्राप्त कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि रोज ही आपको इस प्रकार से अपडेट मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि रोज सुबह 11 बजे के आसपास आपको घर बैठी एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर भी करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के साथ। तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। भवन में।